नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वे ऑफ कैरियर में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अजमेर आर्मी रैली भर्ती से रिलेटेड। दोस्तों तो दोस्तों अगर आप अलवर आर्मी रैली भर्ती की एक ऑफिशियल अपडेट जो आप सभी के सामने निकल के आ रहा है, तो अगर वो आप अपडेट देखना चाहते हैं तो आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाके वीडियो है, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। वो भर्ती की डेट यहाँ पर जारी की गई है, तो वो आप देखिएगा ज़रूर, ठीक है। ऐसी रैली भर्ती आपने कभी भी नहीं देखी होगी दोस्तों। अजमेर आर्मी रैली भर्ती के बारे में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे बताने वाला हूँ। दोस्तों ये भर्ती बहुत ही कई लोगों के लिए बहुत डेंजर भी रही है, और कई लोगों का इसमें सिलेक्शन भी है, उनके लिए बहुत ही अच्छी जो उनको गुड न्यूज़ है, ठीक है। तो दोस्तों मैं आज की इस वीडियो में आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहेगा एंड तक। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि डेली के अपडेट दोस्तों इस चैनल पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ आपकी भर्ती में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पर देखिए आपको मैं सबसे पहले बताता हूँ आपको, डॉक्यूमेंट जिसकी भर्ती है वो देखिए पहले, तो उनको जिसकी भर्ती अभी आगे है वो देखिए। डॉक्यूमेंट आप लेके जाना आपको क्या, आपको सबसे पहले डॉक्यूमेंट आप लेके जाइए, आपका एडमिट कार्ड लेके जाइए, एडमिट कार्ड पे फोटो चिपका के उसकी फोटोकॉपी करवाइए, फोटोकॉपी लेके जानी है, ठीक है। और उसके बाद में दोस्तों मूल निवास की फोटोकॉपी, 10वीं की मार्कशीट की फोटोकॉपी और 12वीं की मार्कशीट की फोटोकॉपी, जो कलर लाइन से वो 12वीं की मार्कशीट की फोटोकॉपी, ठीक है। उनकी जो फोटोकॉपीज आपको लेके जानी है और आपकी फ़ोटो लेके जानी है, आधार कार्ड लेके जाना है, ये आपके जो बाहर ही चेक किए जा रहे हैं। उसके बाद में अगर रेस हो जाती है तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर लेके जाने, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाइए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको चरित्र प्रमाण पत्र और दोस्तों अविवाहित प्रमाण पत्र भी आपको बनवाना होगा, वो आपको लेके जाने हैं। और दोस्तों बाहर जो लेके जाएंगे उनके साथ RT-PCR 72 घंटे की पहले की बनी हुई, वो आपको लेके जानी है। अब दोस्तों ज़्यादातर युवा तो इसमें डॉक्यूमेंट्स में ही बाहर हो रहे हैं, बाहर से ही उनको आउट कर दिया जा रहा है, कोई किसी फोटोकॉपी नहीं लेके जा रहा है, कोई मूल निवास की फोटोकॉपी नहीं, किसी के पास RT-PCR नहीं है। लेकिन दोस्तों जिसके पास RT-PCR नहीं है उनको लास्ट बैच में दौड़ाया जा रहा है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, हालांकि उनको ये बोला जा रहा है कि आप बाहर जाओ भाग जाओ आपके नहीं होगी, लेकिन उनको फिर बैठा दिया जाता है और वहाँ पे लास्ट बैच में उनकी रनिंग करवा दी जाती है, जो बैच 300-350 तक का बना दिया जाता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात जो देखने को आपको मिलेगी, तो दोस्तों आपका जो ग्राउंड है दोस्तों, उसमें आपको सबसे मेन प्रॉब्लम ये हो रही है, बारिश का थोड़ा टाइम है, बारिश के टाइम में आपको वहाँ पे अच्छा खासा जो यानी कि जो रनिंग करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। दूसरी बात, यहाँ पे जो सोशल डिस्टेंसिंग करके वहाँ पे बिठाया जा रहा है, तो आपका गैप यहाँ पे काफ़ी बन जाता है, 100 मीटर का लगभग यहाँ पे गैप बन जाता है, तो पीछे वाला बंदा जिसका टाइमिंग 4:50 आ रहा है उससे भी रेस नहीं हो पा रही है कई चांस में। और जो दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं है, जिसकी किस्मत में है, लक है, जिसका अच्छा और अच्छी मेहनत है, तो वो आगे भी निकल रहा है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर जो रेयर चांस है, 80% केस ऐसे हैं कि पीछे से आगे निकलना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, ठीक है। और दोस्तों आगे वाला जो 5:30 टाइम आ रहा है वो भी क्लियर कर पा रहा है। तो दोस्तों जो ये भर्ती में है, ये सबसे बड़ी मेरे कोई मिस्टेक यहाँ पे ये लगी कि सोशल डिस्टेंसिंग करके बिठाया जा रहा है ना, तो इस भर्ती में जो पीछे वाला कैंडिडेट रेस नहीं कर सकता, चाहे कितना भी टाइमिंग उसका है, आगे जो बैठा है वो क्लियर है, ये समझ लीजिए। इसका 5:15 टाइम आ रहा है, 5:30 टाइम आ रहा है, वो क्लियर है उसको। और देखो तो हर बैच में दोस्तों आपको 5:20+ टाइम मिल रहा है, इस बात को आप बिल्कुल भी नहीं नकार सकते। आप कॉमेंट करके बोलोगे आप गलत बोल रहे हो, आप गलत बता रहे हो कि टाइमिंग नहीं दिया जा रहा है, वहाँ पे 5 मिनट दिया जा रहा है। देखिए घड़ी और फोन तो अलाउड नहीं है अंदर जाना, तो आप लेके नहीं जा रहे हो, लेकिन इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो, जब आगे वाला बंदा जिसका 5:20 टाइमिंग आ रहा है तो और वो रेस कर रहा है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो। जिसका 5:30 टाइमिंग आ रहा है वो बंदा भी रेस किया है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो क्या टाइम मिल रहा है। आप रेस का टाइम यहाँ से स्टार्ट करो ना, ये बंदा जब से दौड़ रहा है पीछे वाला बंदे का क्यों काउंट करते हो, पीछे का 100 मीटर वो लगाएगा तो बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे लगता है, तो आगे वाले बंदे का टाइम काउंट करो कितना टाइम आपको मिल रहा है। तो 5:20+ हर बैच में टाइम मिल रहा है, हालांकि बंदे कम पास हो रहे हैं, ठीक है, रेस में बंदे कम पास हो रहे हैं, किसी बैच में 12-13-15 तक बंदे ले रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों 25-30 भी ले रहे हैं। तो ये दोस्तों ये दो आपको जानकारी थी, ठीक है। तो दोस्तों मेरे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और दोस्तों बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन इस भर्ती के रिगार्डिंग अब तक पहुँच सके। धन्यवाद।